हेलो ऑल एंड वेलकम टू द चैनल। अभी हम लोग गिरगांव घूम रहे थे एंड घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं मणि भवन में। मणि भवन इज़ द प्लेस जहाँ पर गांधी जी ने मुंबई में अपने काफ़ी साल बिताए एंड यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया है रिमेम्बरिंग हिम। सो लेट्स गो एंड सी क्या है यहाँ पर। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ फॉरिनर्स गोइंग इनसाइड। काफ़ी टाइम से हमें आना था यहाँ पर बट लॉकडाउन की वजह से और थोड़ी टाइम के लिए रिनोवेशन की वजह से ये जगह बंद थी, तो फाइनली आज आ गए हैं हम लोग। लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या है यहाँ पर। इसकी एंट्री टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन इवन इफ यू आर इंडियंस और फॉरेनर्स। सो लेट्स गो। तो अभी हम खड़े हैं मणि भवन में। ये गांधी जी का घर था जब वो मुंबई में रहते थे एंड इसीलिए यहाँ पर उनके रूम बनाया हुआ है जिसमें ऐसी ही चीज़ें रखी हुई है जो वो यूज़ करते थे। लाइक अभी हम दिखाएंगे आपको, चरखा है यहाँ पर, उनका बेड है, इनफैक्ट यहाँ पर उनके लिखे हुए लेटर्स भी रखे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते थे और आपको जानने मिलेगा कि वो कैसे एक सिंपल लाइफ जीते थे। जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं ये गांधी जी का ही रूम है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ वेयर ही यूज़ टू लिव एंड वर्क एंड इसीलिए यहाँ पर उनका स्टडी टेबल, चरखा, ये सारी चीज़ें रखी हुई है जो वो यूज़ करते थे। जो भी है सारे डॉल्स के फॉर्म में गांधी जी के इम्पॉर्टेंट लाइफ मोमेंट्स थे, उनको डिस्क्राइब किया हुआ है वेरी माइन्यूटली एंड बहुत अच्छे से डिटेल्ड वर्क किया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या, यू विल बी एबल टू फील द पिक्चर्स एक्चुअली। जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी, दिस इज़ गांधी जी जो आप देख रहे हैं एंड इफ़ यू लुक क्लोजली यहाँ पर हर एक के फेस पे आपको एक्सप्रेशंस देखने मिलेगा। आई एम गेटिंग गूज़बम्स जस्ट बाय लुकिंग एट दिस। ये जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था उसका है एंड दिस इज़ वेयर गांधी जी इन्वेस्टिगेटेड द इनह्यूमैनिटी दैट वॉज कॉज्ड टू द पीपल, वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट इन आर हिस्ट्री। ये वो खादी इंडस्ट्री का डिस्प्ले है जिसमें ही वॉन्टेड पीपल टू यूज इंडियन मेड गुड्स एंड नॉट यूज फॉरेन materials. Mm-hmm.
गांधी भवन इज ऑल अबाउट गांधी जी, उनका घर। एंड काफ़ी सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपने नहीं देखे होंगे, जो आपने उनके बारे में नहीं जाने होंगे कभी। एंड इट्स रियली गुड टू नो बहुत सारे फॉरेनर्स विजिट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, एंड देर आर वेरी वेरी फ्यू इंडियंस जो एक्चुअली यहाँ पर आ रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मुंबई में आ रहे हैं, इंक्लूड दिस इन योर लिस्ट, बिकॉज इफ फॉरेनर्स आर दैट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट आर हिस्ट्री, वाई आर वी नॉट इन दैट इंटरेस्टेड, राइट? सो मणि भवन देख लिया हमने, एंड सनसेट का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा मणि भवन के पास में ही हैंगिंग गार्डन्स है, वहाँ पर आए हैं अभी हम लोग। गार्डन अच्छा दिख रहा है, उसके साथ में यहाँ पर पीछे बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, वो भी दिख रहा है यहाँ से। एंड इसके अलावा यहाँ पर सामने कमला नेहरू पार्क भी है, उसे भी देखने जाएंगे हम लोग। एंड उसके बाजू में एक व्यूइंग डेक भी है, वहाँ पर भी जाएंगे। हैंगिंग गार्डन से कमला नेहरू पार्क में आए हैं हम लोग। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, बट इतना कुछ खास अब बचा नहीं है बिकॉज बहुत सारे ट्रीज और बिल्डिंग्स आ रहे हैं बीच में। इसके अलावा यहाँ पर एक बूट हाउस है जिसके लिए किड्स आर वेरी एक्साइटेड, सो इफ यू आर कमिंग विद किड्स तो आ सकते हो, नहीं तो बाकी तो गार्डन, इससे बेटर तो हैंगिंग गार्डन जाना है, क्योंकि वहाँ से एटलीस्ट आप बैठ सकते हैं, हवा अच्छी आती है वहाँ पर। कुछ कुछ जगह है इस गार्डन में, जैसे कि यहाँ से आपको बीच में ढूंढ के देखना पड़ेगा, सिटी का व्यू दिख रहा है, थोड़ा फॉगी है और पोल्यूशन की वजह से इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट स्टिल यू कैन सी कि गिरगांव दिख रहा है यहाँ से। स्काईलाइन इज नॉट दैट क्लियर, बट हाँ आप देख सकते हैं व्यू यहाँ से मुंबई का। हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क से उतना अच्छा व्यू नहीं दिख रहा था हमें, तो उसके बाजू में एक प्रमोद नवलकर व्यूइंग गैलरी है, वहाँ पर आए हैं, और इसके सेकंड या थर्ड फ्लोर से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। मुंबई के स्काईलाइन, बिल्डिंग्स, चौपाटी, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड देयर इज ऑल्सो अ टेलीस्कोप हियर, जहाँ से आप दूर के जो बिल्डिंग्स हैं वो भी देख सकते हैं। ऑन अ नॉन फॉगी डे आपको यहाँ से ताज पैलेस होटल भी दिखेगी। हैंगिंग गार्डन्स और कमला नेहरू पार्क को देख के हम लोग अभी आए हैं बाबुलनाथ डोसा पर डोसा खाने। यहाँ का डोसा काफ़ी फेमस है, सामने ही मंदिर भी है, एंड मंदिर के जस्ट ऑपोजिट ही है यहाँ पर ये, सो लेट्स ट्राई दैट डोसा।
आज का वीडियो. वी ट्राई डूइंग अ व्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एंजॉयड डूइंग इट. अगर आपको भी पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या तो कुछ भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताएं. वी आर गोइंग टू ट्राई टू डू मोर व्लॉग्स ताकि हम आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करें और हमारा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.